सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे को लेकर जो अपडेट आई हुई है, जिसको लेकर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन, कुछ सवाल भी उठ रहे होंगे कि आखिर हमें पोषण ट्रैकर ऐप में सर्वे किन का करना है। इस चीज़ को लेकर आपके द्वारा पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट भी पूछे गए थे कि पोषण ट्रैकर ऐप में सिर्फ हमें बेनिफिशरी का सर्वे करना है या बेनिफिशरी के अलावा जो उनके घर के लोग हैं, जो गार्जियंस हैं, उनका हमें फैमिली सर्वे करना है। तो आज की ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग लेके आए हैं। आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन है आज की इस वीडियो में दूर हो जाएगी कि फैमिली सर्वे आखिर में पोषण ट्रैकर ऐप में किनका करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप का जो 20.5 का अपडेट आया हुआ है, अगर आप उसको अपडेट कर चुके होंगे तो आपके होम पेज पे ही एक नया मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, फैमिली सर्वे। तो आपको फैमिली सर्वे वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ फैमिलीज, यानी जितने लोगों का आप लोग यहाँ पे सर्वे करेंगे उनका लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। और नया सर्वे करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख पाएंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड फैमिली, यानी कि यहाँ से जो न्यू सर्वे है उनमें फैमिली को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्वे करने से पहले आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि फैमिली सर्वे करते टाइम आप लोगों को मदर या फादर में से किसी एक को फैमिली हेड रखना होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितने भी सेविका बहन हैं, यहाँ पे मदर को ही फैमिली हेड रखिएगा, क्योंकि मदर का यहाँ पे जो डिटेल्स है आप लोगों का ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप में भरा हुआ मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी कंडीशन में आप लोगों को मदर को फैमिली हेड नहीं रखना है, अगर मान लीजिए माता का डेथ हो चुकी है, तो आप लोग यहाँ पर डेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उनके फादर का जो है कि यहाँ पे फैमिली हेड में उनका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे मदर को ही फैमिली हेड रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को बता दें कि पोषण ट्रैकर ऐप में अभी आप लोग जितने भी बेनिफिशरीज हैं पोषण ट्रैकर ऐप में, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर फैमिली सर्वे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे के माता पिता और उनका भाई बहन का ही आप लोग यहाँ पर फैमिली सर्वे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक सर्वे करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल हुआ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे यहाँ पर जो प्रेगनेंट वुमेन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम किसी एक लैक्टेटिंग मदर को यहाँ पर फैमिली सर्वे में हेड रखना चाहते हैं, उनके नाम के आगे जो गोल घेरा दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से ही इनका आधार, नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल किया रहेगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इनका सारा डिटेल्स फिल रहेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी में आप लोगों को तीन ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, एससी, एसटी और अदर। पहले जो कैटेगरी था जनरल और ओबीसी का, यहाँ पे वो ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पे तीन ही कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो जिस कैटेगरी से ये महिला आती है उसको यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको रिलीजन आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये किस धर्म से आती हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी धर्म है इनका वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको माइनॉरिटी इन द स्टेट, यानी ये माइनॉरिटी से आती हैं तो आपको यस करना है, वरना इसको नो कर सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस ऑफ दिस AWC एरिया, तो क्या यह लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र के एरिया में आती है, तो हाँ यहाँ पर हम लोग यस करेंगे। और यहाँ पर जो फैमिली हेड आप लोग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये सेल्फ ही रहेगा। जैसे कि लाभार्थी हैं इन पोषण ट्रैकर ऐप से ही उस लाभार्थी का जो फैमिली हेड बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेल्फ ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो यहाँ पे मैरिड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैटरनिटी स्टेटस आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है कि ये जो लाभार्थी को आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली हेड रख रहे हैं वो किस कैटेगरी की है। आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उस कैटेगरी की है कि लैक्टेटिंग मदर वाली कैटेगरी की है कि अदर की कैटेगरी की है। तो यहाँ पर हमने जो फैमिली हेड रखा हुआ है वो यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर को फैमिली हेड रखा हुआ है इसी कैटेगरी से, तो हमको यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो बेनिफिशरीज है जो ICDS का जो सप्लीमेंट्री फूड मिलता है उसका
इसके ये लाभार्थी है या नहीं, तो हाँ ये लाभार्थी है, इनको ICDS के द्वारा जो सप्लीमेंट दिया जाता है वो यहाँ पे इनको मिलता है। तो इतना कुछ करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनका जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ये जो फैमिली हेड है आप लोगों को यहाँ पर इनका नाम शो हो जाएगा। अब करना क्या है कि इनके जो हस्बैंड हैं और इनके जो बच्चे हैं उनका ही सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर फैमिली सर्वे करनी है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐड फैमिली पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड फैमिली का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और इनका जैसे कि हस्बैंड का नाम, तो यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में जो डिटेल्स है वो नहीं भरा हुआ रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोफाइल में आप लोग इनका हस्बैंड का जो नाम है वो यहाँ पे उनका आधार नाम जो भी इनका डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स भर के आप लोगों को यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप विथ हेड फैमिली, यहाँ पर आपसे पूछेगा रिलेशनशिप विथ हेड फैमिली, जैसे कि इनका क्या रिलेशन है इस लाभार्थी के साथ। तो यहाँ पे सन, डाउटर और हस्बैंड, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे तीन ही ऑप्शन खुल के आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप हस्बैंड का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हस्बैंड पे आपको क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे जिनका भी रजिस्ट्रेशन करेंगे सन या डाउटर या हस्बैंड उनका यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो ICDS का जो सेवाएं हैं इनको अगर मिलता है तो आप यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हस्बैंड का रिलेशन आप लोग डाल रहे हैं, हस्बैंड का डिटेल्स भर रहे हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हस्बैंड को ICDS के द्वारा कुछ नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर अगर बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बच्चे में आप लोग यहाँ पर यस कर सकते हैं क्योंकि बच्चे को यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो ICDS का सप्लीमेंट है वो दिया जाता है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उनका नाम जो है ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि हमें इनके बच्चे का यहाँ पे सर्वे करना है, तो यहाँ पे हम प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड यूजिंग प्रोफाइल PT वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जो भी बच्चे का इनका रजिस्ट्रेशन होगा इस पोषण ट्रैकर ऐप में वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैचिंग आधार, तो यहाँ पे दो बच्चों का यहाँ पे नाम शो कर रहा है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सारा डिटेल्स यहाँ पर उनका भरा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, रिलेशनशिप विद हेड फैमिली, तो हेड फैमिली के साथ क्या रिलेशन है और यहाँ पे जो भी रिलेशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे डाउटर को सिलेक्ट किया है तो डाउटर का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरिट नहीं है तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे और क्या ये लाभार्थी यहाँ पे ICDS की सेवा प्राप्त कर रहा है, तो यस यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी बेनिफिशरीज है, देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे जो इस लाभार्थी का जो बच्चा है वो यहाँ पे इनका नाम यहाँ पे शो हो चुका है। इसी प्रकार से एक और बच्चे का यहाँ पे नाम हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा जो बच्चा है यहाँ पे इनका नाम दिखा रहा है और यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे रिलेशन दिखाएंगे, तो ये बच्चा लड़का है तो यहाँ पे हम इसको सन वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ICDS का जो सेवा है वो ले रहा है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इनका भी सर्वे कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो बच्चों का सर्वे कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ इनका एक जो हस्बैंड है उनका यहाँ पे अभी सर्वे नहीं किए हैं, तो हस्बैंड वाले का सर्वे आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। जितने भी पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चे हैं तो उनके माता पिता और जो भी लाभार्थी हैं जैसे कि गर्भवती और धात्री महिला है, तो उनके बच्चे का और उनके हस्बैंड का ही पोषण ट्रैकर ऐप में फिलहाल अभी सर्वे करनी है। आगे आप लोगों को इस प्रकार से और भी नोटिफिकेशन आ सकती है, अपडेट आ सकता है कि और भी उनके घर के जो गार्जियन वगैरह लोग हैं उनका भी सर्वे करना है, तो आप लोग उसके बाद कर सकते हैं। फिलहाल अभी इन्हीं लोगों का सर्वे करना है जो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।